फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नीमा कॉर और मैं हूँ नीमा बहुत टाइम से मेरे चैनल पर साड़ी नहीं दिखाई थी मैंने तो मैंने सोचा क्यों ना एक साड़ी हॉल शेयर करती हूँ ये होने वाला है लिम्बोदी ब्रांड का इस ब्रांड की मैंने आपके साथ सूट्स और कुर्तीज शेयर करी हुई है पहले भी बहुत ही गजब क्वालिटी की हैं तो मैंने सोचा कि ना साड़ी भी मंगवाई जाए साड़ी अगर मैं आपको दिखा रही हूँ ना तो इनके प्राइस आप गेस नहीं कर पाओगे ये सभी अंडर फिफ्टीन हंड्रेड हैं और बहुत अच्छी बात पता ही क्या है कि आपके पास मेरा कूपन कोड भी है इसे अप्लाई करने के बाद आपको एक्स्ट्रा थर्टीन परसेंट का ऑफ मिल जाता है इस ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको साड़ी भी मिलती है सूट्स भी मिलते हैं कुर्तीज भी मिलती हैं दुपट्टा भी मिलते हैं है और बहुत कुछ मिलता है अफोर्डेबल प्राइस पर और बेस्ट क्वालिटी का डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो और जो सूट की मैं बात कर रही हूँ ना उन सबके लिंक जो वीडियो का लिंक है ना वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ये जो साड़ीज हैं इनका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और अंडर फिफ्टीन हंड्रेड है ये तो प्राइस वाइज भी ये है बहुत है। सबसे पहली साड़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका कलर बहुत प्यारा है सीक्वेंस वाला इसका पल्ला होने वाला है पूरा और जो इसका प्लीट एरिया है वो साटन का होने वाला है आपने ओवरऑल इस तरीके की साड़ी देखी होगी बट वो पहनने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है क्योंकि उसमें ना जब हम प्लीट्स बनाते हैं ये जो सीक्वेंस होता है ये चुभते हैं हमारी स्किन पे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो प्लीट एरिया है ना ये साटन का होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होने वाला है कलर मुझे ये बहुत अच्छा लगा मेरे ऊपर तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपके ऊपर भी डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है नीचे प्लीट एरिया के लिए और ऊपर की तरफ आपको साटन का फैब्रिक मिल जाता है मैं आपको दिखाती हूँ ये आप देख सकते हो ये इसका नीचे का बॉर्डर हो गया और ये इसका पूरा पल्ला हो गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस साड़ी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो जब आप पहनोगे ना इसे मैं आपको दिखाती हूँ तो या मेरा ट्राई ऑन हॉल आप देख सकते हो ये बहुत ही प्यारा ब्लिंक कर रहा है ये आप देखिए इसके जो तो सीक्वेंस का साइज़ है ना ये बहुत ही छोटा छोटा है तो ये कहीं से भी आपको चुभेंगे नहीं इसके साथ आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाता है ये आप देख सकते हो तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी बड़े साइज़ का होने वाला है ये आप देखिए मतलब अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हो तो भी ये आपको आराम से आ जाएगा मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है और क्योंकि इसमें साटन का फैब्रिक लगा हुआ है ना तो ये पहनने में बहुत इजी होने वाली है सेकंड साड़ी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो है ये ये काफ़ी लाइट वेट साड़ी है जॉर्ज फैब्रिक की है और हमारे में ना थोड़ा लहरिया बहुत ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ बॉर्डर मिल जाता है लाइट वेट साड़ी अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको ये बहुत पसंद आएगी इसका कलर बहुत डिसेंट है गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप रेगुलर साड़ी पहनते हो या कहीं आने जाने के लिए आपको साड़ी चाहिए तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो ये आप देखेंगे इसका बॉर्डर मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी प्यारा बॉर्डर है और बीच में प्लेन फैब्रिक होने वाला है प्रिंटेड इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है ये आप देखो ये क्रश भी नहीं हो रहा मतलब रेगुलर पहनना है टीचर हो आप तो आप इसे पहन सकते हो अगर आपको किसी के घर जाना है छोटा मोटा फंक्शन है तो आप इसे पहन सकते हो इसका ब्लाउज पीस मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब लाइट वेट साड़ी को अगर आप हैवी ब्लाउज के साथ पहनते हो ना तो उसकी लुक ही बहुत अच्छी हो जाती है मतलब ये साड़ी आप बनवा लोगे ना तो कोई देख के नहीं बता पाएगा कि ये अंडर फिफ्टीन हंड्रेड है और मेरा कूपन कोड अप्लाई करके तो और सस्ती पड़ रही है तो कोई गैस नहीं कर पाएगा कि इतनी सस्ती वाली साड़ी आपने पहन रखी है बट बिलीव मी लुक बहुत अच्छी आने वाली है इसकी इसका ब्लाउज पीस मैं आपको दिखाती हूँ ये आप देख सकते हो इसका पूरा ब्लाउज पीस में ना फुल ऑन एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा कलर कॉन्ट्रास्ट जो है ना ये काफ़ी अच्छा निखर के आ रहा है और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है एक एक सीक्वेंस एक एक धागा बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन बना रखा है इसको एम्ब्रॉयडरी वर्क को ये आप देख सकते हो इसका ब्लाउज पीस

तो ये इजीली आप बना सकते हो आपको ये चुभेगा नहीं और इसके सीक्वेंस का साइज़ बहुत छोटा छोटा है मैंने इसे मंगवाया है बेबी पिंक कलर में ये कलर बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप इसे पहन सकते हो हो गई है तो भी आप इसे पहन सकते हो ये इसका बॉर्डर होने वाला है इस तरीके का और ये फुल ऑन सीक्वेंस साड़ी होने वाली है नीचे की तरफ आपको इस तरीके से मिल जाता है बॉर्डर और बहुत प्यारा मुझे लगा साड़ी इसके साथ आपको ब्लाउज़ पीस भी मिलता है फुल ऑन सीक्वेंस आपको मिलता है कहीं से कहीं तक एक भी सितारा इसका निकला हुआ नहीं है लुक वाइज बहुत अच्छी है बहुत ज़्यादा अच्छी है और अंदर की तरफ आपको टक इन करने के लिए इस तरीके से फैब्रिक मिलता है ताकि ये आपकी बॉडी को चुभे नहीं इसके साथ भी आपको ब्लाउज़ पीस मिलता है प्लेन क्योंकि यार साड़ी में इतने सितारे हो गए अगर मैं बोलूँ ब्लाउज़ पीस में भी अलग से सितारे लगे हुए हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाएगा तो इसमें आपको प्लेन ब्लाउज़ पीस मिलता है बट हाँ ब्लाउज़ पीस का साइज़ फुल मिलता है ये देख सकते हो आप फुल एक मीटर के अप्रॉक्स आपको ब्लाउज़ पीस मुझे तो लग रहा है ये है ये आप देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है काफ़ी लंबा चौड़ा ब्लाउज़ पीस आपको इसका मिल जाता है तो अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हो तो भी आप इसे बनवा सकते हो और पहन सकते हो सभी साड़ीज़ के ओरिजिनल प्राइस और मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आफ्टर डिस्काउंट प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रही हूँ तो आप चेक कर सकते हो कि कितना मस्त आपको प्राइस मिलने वाला है सभी साड़ी का सभी साड़ी के लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई ज़रूर करना बहुत ही सही होने वाली है एक मैंने मंगवाई है साड़ी ये काफ़ी लाइट वेट होने वाली है ये अभी तक मैंने ओपन नहीं करी है ये आप देखेंगे ना काफ़ी लाइट वेट साड़ी है ये और ये होने वाली है शिफोन के फैब्रिक की जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा भारी भरकम साड़ी पसंद नहीं आती है ना उनको ये पसंद आएगी ये उनके लिए परफेक्ट है जैसे स्कूल टीचर्स होती हैं ना उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है पूरा दिन अगर आपको साड़ी पहननी होती है तो ये आपको बहुत पसंद आएगी इसमें आप देखेंगे इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है नीचे की तरफ आपको बॉर्डर मिल जाता है ये जो बॉर्डर होता है ना इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि साड़ी को हैवी लुक देता है बट हैवी होता नहीं है ये आप देख सकते हो तो इस तरीके का बॉर्डर और साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी बहुत ही प्यारी है और बहुत ही प्यारा सा इसका लुक होने वाला है ये आप देखिए इसमें एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है नीज तक की और जो पल्ले का एरिया है उसमें आपको पूरे में एम्ब्रॉयड्री मिल जाती है एम्ब्रॉयड्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं ब्यूटीफुल से और इसका जो ब्लाउज़ पीस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही लाइट लाइट फैब्रिक है ये ये आप देखो मैं इसे कितना भी तोड़ मरोड़ लूँ ये बिल्कुल भी क्रश नहीं हो रहा ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है तो घुटनों से नीचे आपको पूरे में एम्ब्रॉयडरी मिलती है और मैं इसका ब्लाउज़ पीस आपको दिखाती हूँ इसका ब्लाउज पीस काफ़ी प्यारा है ये आप देख सकते हो गोल्डन कलर का ही होने वाला है जैसा इसकी साड़ी का कलर है ना एग्जैक्ट वैसा ही है थोड़ा सा ऑरेंजिश गोल्डन और प्रिंटेड होने वाला है सीक्वेंस इस साड़ी में नहीं है तो अगर आपको भारी भरकम साड़ी पसंद नहीं आती है लाइट वेट बट हाँ लुक में भारी साड़ी चाहिए तो आप इसे ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है एक और मस्टर्ड कलर की साड़ी देखो मेरा इस सीजन में येलो कलर फेवरेट हुआ हुआ है तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई येलो या मस्टर्ड कलर दिखता है मैं सबसे पहले वही मंगवाती हूँ मुझे ये पता नहीं क्यों हर सीजन में ऐसा होता है कि एक कलर फेवरेट हो जाता है इस सीज़न में मेरा येलो फेवरेट है तो ये आप देखेंगे जॉर्ज के फैब्रिक की साड़ी है बिल्कुल भी क्रश नहीं होती है और बहुत ही लाइट वेट है इसमें आपको नीचे की तरफ पूरे बॉर्डर मिलता है जो इसको एक हैवी लुक देता है इसके साथ साथ इसका जो ये ब्लाउज पीस है ये बहुत ज़्यादा हैवी है मतलब अगर आपको भारी साड़ी नहीं पसंद है तो आपको ये बहुत पसंद आएगी क्योंकि इसका ब्लाउज हैवी है तो पहनने के बाद आपको ना नाचो गाओ घूमो फिरो कुछ भी करो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है अगर मैं इसके लुक की बात करूँ तो ये बांधनी लुक में होने वाली है साड़ी और बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ तो यार इसका बॉर्डर बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको मिलता है फैब्रिक में आपको दिखा देती हूँ ये पूरा प्रिंटेड होने वाला है बांधनी लुक में ये आप देखिए बहुत ही डिसेंट सा और नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ आपको पूरा बॉर्डर मिल जाता है ब्लाउज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही प्यारा एम्ब्रॉयडरी हो रखा है इसका तो ब्लाउज़ हैवी है और इसकी अच्छी बात यह है कि पता है इस तरीके के जो ब्लाउज़ आप बनवा लेते हो ना तो इन्हें आप किसी दूसरी साड़ी के साथ भी पहन सकते हो मतलब आपके एक ही साड़ी के ब्लाउज़ को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो इसमें आप देखोगे इसमें आपको बहुत ही अच्छी सीक्वेंस और एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है ब्लाउज़ का साइज़ प्रॉपर है ये आप देखो ये आप देखते हो मतलब मैं कैमरे से बाहर हो जा रही हूँ इतना बड़ा इसका साइज़ है ये आप देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा एक मीटर के अप्रॉक्स आपको ब्लाउज पीस मिल जाता है तो अगर आप हेल्थी हो तो भी आप इसे आराम से बनवा सकते हो ये साड़ी का फैब्रिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कलर भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैरून के साथ है ना कॉन्ट्रास्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आप देखिए बहुत ही प्यारा सा और इसका जो बॉर्डर है ना ये काफ़ी प्यारा है बहुत प्यारा लग रहा है तो अगर आप लाइट वेट साड़ी ढूंढ रहे हो एवरी डे के लिए हो या फिर किसी के घर जाना हो क्योंकि ब्लाउज पीस इसका इतना हैवी है ना कि ये एवरी डे के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी बट हाँ हल्के फुल्के ओकेजन में अगर आपको पहननी है तो डेफ़िनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मैरून कलर की ये आप देख सकते हो अगर आपको बड़े बड़े सितारे पसंद आते हैं तो आपको ये साड़ी पसंद आएगी मैं आपको ये साड़ी दिखाती हूँ एक सेकेंड ये आप देखिए साड़ी बहुत ही प्यारी सी है ये आप देख सकते हो ये इसका पल्ले का एरिया है पूरे में आपको सीक्वेंस मिलते हैं मैरून कलर की साड़ी होने वाली है और इसमें गोल्डन कलर के प्यारे प्यारे से सितारे लगे हुए हैं साइड में आपको इस तरीके की ना रिबन लेस मिल जाती है ये आप देख सकते हो पूरी साड़ी आपको इस तरीके की मिलती है सीक्वेंस वाली बहुत प्यारी सी हाँ लास्ट में आपको जो टक इन करने वाला होता है ना फर्स्ट पोर्शन वो आपको प्लेन मिलता है ताकि आपको ये चुभे नहीं बहुत सही चीज़ है इसके सितारे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको मतलब इन सभी साड़ियों के सितारे ये सारे सिले हुए हैं पीछे की तरफ से आप देखोगे तो कोई भी एक भी सितारा नहीं निकलने वाला लुक इसकी बहुत अच्छी आती है मतलब तो इस तरीके की साड़ी अगर आप शादी में पहन लेते ना तो जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो बहुत ही अच्छी वाली लुक आती है मतलब चमचम चमचम वाली -चम लुक अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो इसके साथ आपको प्लेन ब्लाउज पीस मिलता है जिसे आप कई तरीके से अपना दिमाग लगा के स्टिच करवा सकते हो और बहुत ही स्टाइलिश बना सकते हो साइज़ मैंने आपको पहले ही बताया ब्लाउज़ का किसी भी साड़ी के साथ छोटा नहीं मिला है सारी साड़ियों का ब्लाउज़ आपको फुल मिलता है ये भी जॉर्जेट फैब्रिक की है एक और मैंने मंगवाई है क्योंकि आजकल सीक्वेंस वाली साड़ी बहुत ज़्यादा फैशन में है ये मैंने काफ़ी लाइट कलर की मंगवाई है मैं आपको दिखाती हूँ ब्यूटीफुल साड़ी है पीच कलर होने वाला है इसका ये आप देख सकते हो इसमें आपको बॉर्डर मिलता है और इस तरीके से फ्लोरल डिज़ाइन मिलता है यहाँ पर आप देखेंगे पूरे में बॉर्डर है सेम जिस कलर की साड़ी है उसी कलर के सीक्वेंस लगे हुए हैं तो ये बड़े हैं या छोटे हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हाँ जैसे ही लाइट पड़ती है तो बहुत बढ़िया वाली शाइन आपको मिलती है ये आप देख सकते हो पूरा पल्ला होने वाला है ये ब्यूटीफुल सा और इस तरीके से पूरी साड़ी में आपको ये मिलते हैं ये ऊपर नहीं है ये नीचे की तरफ है बॉर्डर की तरफ है मैं आपको इसे पलटा के दिखा देती हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ जो आप टक इन करोगे ना वो इस तरीके से प्लेन होगा ताकि आपके जो वेस्ट एरिया हो उसमें सीक्वेंस चुभे नहीं ये आप देखेंगे ये है इसका पूरा पल्ला पल्ला बहुत सुंदर है पूरे में एम्ब्रॉयडरी आपको मिलती है पूरे में सीक्वेंस वर्क आपको भर के दिया गया है ये आप देखेंगे ये प्लेन पोर्शन है जो फर्स्ट बनता है ना हम फर्स्ट टाइम जब साड़ी पहनते हैं तो उसमें अंदर डालने के लिए इसके साथ आपको ब्लाउज भी जो मिलता है वो भी फुल ऑन सीक्वेंस वाला मिलता है ये आप देखेंगे ये अभी डबल है ब्लाउज पीस मैंने अलग नहीं किया है ये आप देखेंगे इसमें ब्लाउज़ पीस भी आपको पूरा सीक्वेंस वाला मिलता है ये आप देख सकते हो ये आप देखिए पूरा सीक्वेंस वाला ब्लाउज पीस मिलता है और ये जो प्लेन एरिया है इससे आप चाहे तो स्लीव्स बनवा सकते हो तो ये पूरी साड़ी जो है ना फुल ऑन सीक्वेंस से भरी हुई है चाहे ब्लाउज की बात करूँ चाहे मैं साड़ी की बात करूँ लास्ट साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये एक मैंने सिल्क की साड़ी मंगवाई है ये मैं आपको दिखाती हूँ ये आप देखिए कुछ साड़ी मैंने अभी तक बिल्कुल ओपन नहीं की थी कुछ मैं बिल्कुल पहन पहन चुकी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ इनको इसका जो फैब्रिक है ना ये सिल्क का होने वाला है बट हाँ इसमें कुछ भी भारी नहीं है मतलब बहुत ही लाइट वेट है अगर आपको छोटी मोटी पूजा पाठ में पहनने के लिए या ऑफिस के लिए साड़ी चाहिए एक बहुत ही डिसेंट सी लुक की तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो प्रिंट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें लीफ प्रिंट होने वाला है नीचे की तरफ आपको इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है पिंक कलर का कलर कॉन्ट्रास्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर मैं आपको इसे दिखाऊँ तो ऊपर की तरफ आपको ये बॉर्डर मिलता है और नीचे की तरफ आपको पूरा लंबा चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है पूरी साड़ी में इसी तरीके का प्रिंट होने वाला है ये आप देख सकते हो और कॉन्ट्रास्ट का जो कलर है ना ये बहुत अच्छा निखर के आ रहा है मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा येलो के साथ ये पिंक बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्रिंट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसके साथ आपको मिलता है ये ब्लाउज पीस जो कि बहुत सही है इसमें भी आपको चौड़ा बॉर्डर मिलता है मैं जब भी भी इतने चौड़े बॉर्डर मिलते हैं मैं इन्हें स्लीव्स पर लगवाती हूँ या फिर बैक पर लगवा लेती हूँ और आपको पतला वाला बॉर्डर भी मिलता है तो आप अपने हिसाब से बैक पे या इसे स्लीव्स पे लगवा सकते हो साइज की अगर मैं बात करूं तो ब्लाउज साइज बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है आपको इनमें से सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मेरे ऊपर सबसे अच्छी कौन सी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना मेरा कूपन कोड जरूर अप्लाई कर लेना जब आप परचेज करते हो ना उस वक्त इससे आपको एक्स्ट्रा थर्टीन का ऑफ मिल जाएगा सभी साड़ियाँ अंडर फिफ्टीन हंड्रेड होने के साथ साथ कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर पड़ेंगी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सभी साड़ियों के लिंक मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हाँ लिम्बोदी ब्रांड की जो मैंने सूट्स शेयर करे थे ना जिस वीडियो में उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रही दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्राई जरूर करना एक बार वीडियो जरूर देखना क्योंकि सूट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना थैंक यू Thanks for watching, bye!